हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिम्स इजी कुकिंग रेसिपीज में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर पराठा की रेसिपी। वैसे तो पराठा बहुत तरह की होती है और सभी टेस्टी होती है, लेकिन इस पनीर पराठा को एक बार आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए तो फिर बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे चैनल की नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। पनीर पराठा बनाने के लिए पहले हम पराठे के लिए डो तैयार करेंगे। तो एक कप मैंने लिया है गेहूं का आटा और इसी के साथ मैं ले रही हूँ एक कप मैदा। आप चाहे तो सिर्फ आटे से भी इस पराठे को बना सकते हैं। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। मॉइस्चर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से ग्रीस कर ले इसे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। इसे अभी हम ढककर 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे और डो जब तक हमारा सेट हो रहा है तब तक हम पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि पराठे को रोल करते वक्त हमको आसानी हो। 1/2 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी रेडी है, इसे हम रखते हैं साइड में और अभी हम अपना डो चेक कर लेते हैं। इसे हम फिर से एक बार मसल लेंगे और इक्वली डिवाइड कर लेंगे। पराठे के लिए जैसा हम लोई बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएं, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। लोई को हाथों से प्रेस करते हुए कटोरे जैसा बना लें ताकि स्टफिंग भरने में आसानी हो। इसमें अभी हम 2 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। चम्मच से स्टफिंग को इस तरह से प्रेस कर दे ताकि सील करते वक्त ये बाहर ना निकले और अभी हम इसे बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे अभी हम रोल करेंगे तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे राउंड शेप में रोल कर लेंगे। बहुत ज्यादा पतला रोल ना करें, थोड़ा सा मोटा रखें। बिल्कुल इस तरह से बाकी लोई में भी स्टफिंग भर ले। अभी हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। पराठे को फ्राई करने के लिए मैंने तवा गरम किया है। पराठे को हम पहले नीचे के साइड से सिकने देंगे, पलट देंगे इसे और दूसरे साइड से भी सिकने देंगे। अभी हम ऑयल ऐड करेंगे और पराठे को अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दूसरे साइड में भी ऑयल लगा देंगे। आप चाहे तो पराठे को घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो पराठा हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और बाकी पराठे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बस हमारा गर्मा गर्म पनीर पराठा बनकर तैयार है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।